Like, subscribe. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के ऊपर कोई भी फ़ोन सैमसंग का हो जिसके अंदर वर्जन एंड्रॉयड है 11 और 12 हो, कुछ कोई भी वर्जन हो, इसको आप अपने जीमेल को रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा मुकम्मल कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें, और चैनल के ऊपर नहीं आते तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे आप पासवर्ड लगा लेंगे वाईफाई, पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे हम वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। मैं आपको दिखा दूँ कि इसके ऊपर वाईफाई गूगल आईडी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। अगर आपको अपना पिन कोड यानी लॉक पता है तो आप यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं, तो आपका फ़ोन फिर भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको अपनी जीमेल अकाउंट, जीमेल आईडी का भी पता है तो यहाँ पे आप वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट लगा के, पासवर्ड लगा के तो आप इसको ओपन कर सकते हैं बहुत ईजी। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये सैमसंग A10 है और ऐसे मॉडल्स के ऊपर वॉइस असिस्टेंट अमूमन वर्क नहीं करती। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। टॉक बैक ऑन कर ली वॉइस असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट। ये देखें यहाँ पे ये वर्क कर गई है, अच्छी बात है। यहाँ पे हम ओपन करेंगे यूट्यूब, वॉइस असिस्टेंट। ओपन यूट्यूब, यहाँ पे हम यूट्यूब ओपन कर लेंगे। ये देखें यूट्यूब ओपन हो गए। मैंने थोड़ी देर पहले एक फ़ोन किया था लेकिन उसके अंदर नहीं थी ओपन हुई, इसके अंदर ओपन हो गई है, चलो अच्छी बात ही है। कुछ फ़ोनों के अंदर ओपन नहीं भी होती, उसको आप कंप्यूटर से या सैम फर्मवेयर से आप उसको इसके अंदर से यूट्यूब को ओपन कर सकते हैं, तो मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ से क्रोम में जाएंगे, क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे ZAGGAR.ये जागर /Google। यहाँ पे जाने के बाद हम इस एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड अलाइन शील्ड एट गैलेक्सी स्टोर, इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फ़ोन होना चाहिए जिसके, यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करें, ये जब इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल अकाउंट, सॉरी सैमसंग अकाउंट मांगेगा। तो आपके पास कोई भी है अपना सैमसंग अकाउंट जो किसी और डिवाइस में वर्क कर रहा है, तो वो इसमें आप अपना सैमसंग अकाउंट डालें और इसको रन कर लें। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद इसको हम साइन इन कर लेंगे। दोबारा से इसको ट्राई करते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक थी उसको अंदर, तो ये देखें अब ये कनेक्ट हो चुका है। तो इसका कोड है, कोड हमारे पास आ गया 40 42 58। इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि यही कोड है जी। ये देखिए ये कनेक्ट हो गया, साइन इन हो गया। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, ये भी 8.8 MB की ये फाइल है, ये हो भी गई है। इंस्टॉल करने के बाद
इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये फाइल ओपन हो चुकी है। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसके अंदर आपके पास अपना अकाउंट है अलायंस शील्ड का, वो डाल सकते हैं। मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपके पास नहीं बना हुआ तो यहाँ से आप इसको रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, नया अकाउंट भी बना सकते हैं किसी और डिवाइस से। यहाँ से नहीं बनेगा, बना के तो आप दोबारा इसके अंदर वो अकाउंट लगा सकते हैं। लीजिए SMFRP और नीचे अपना पासवर्ड डाल के तो इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं, साइन इन कर लेते हैं। ये देखें साइन इन हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे FRP लिख देता हूँ, डिवाइस एडमिन। ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। इसको ओपन कर लेते हैं, नेक्स और नोक्स। सम फोन में ये नहीं होता नोक्स कार्ड, और वो अलायंस शील्ड से ओपन नहीं होते, वो इस ट्रिक से ओपन नहीं होंगे, वो कंप्यूटर से होंगे या डाउनग्रेड से होंगे। नोट्स को ओपन कर लेते हैं। बैटरी बाबा, दैट पिन इज टुमारो यू कमिंग देयर, बैटरी नॉट राइट। हां ये लावा पिन का कैसे कैसे लेफ्ट। यहां से हम नोट्स को ओपन कर लेंगे। आई हैव शेवर्ड यू फॉर वन टाइम। नेक्स्ट कर लेंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स को आपने ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो तभी आपका फ़ोन ओपन होगा। ये यहाँ से कनेक्ट हो गया, देखें इसको फिनिश कर लेते हैं। ये देखें एडमिन और नॉक्स, ये दोनों ग्रीन होने चाहिए। एडमिन ग्रीन है लेकिन नॉक्स अभी ग्रीन नहीं हुआ, तो हम बैक जाएंगे। इसको ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे ये कनेक्ट होना चाहिए। ये अब देखें, ये एडमिन और नॉक्स ग्रीन हो गया। अगर समटाइम ये नहीं होता तो आप यहाँ पे सेटिंग पे जाके को नॉक्स इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ये भी इजी है, यहाँ से भी हो जाता है नॉक्स कार्ड। तो आप हम जाएंगे इसको, सबसे पहले हम सर्च करेंगे एंड्रॉयड सेटअप। यहाँ से आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, छोड़ छोड़ के नहीं देखना। अगर एक स्टेप भी रह गया तो फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। एंड्रॉयड सेटअप, नंबर 2 एक्शन, और 4 स्टॉप एंड वाइप डाटा, ओके। अब हम सर्च करेंगे Samsung Setup Wizard। इस पर जाने के बाद फिर नंबर 2 एक्शन, और फिर वही प्रोसीजर सेम, 4 स्टॉप वाइप डाटा, ओके। फिर हम वापस जाएंगे तो हो गए। अब तीसरा स्टेप, गूगल प्ले सर्विस। गूगल प्ले सर्विस पे जाने के बाद हम फिर यही सेम प्रोसीजर करेंगे। एक्शन पे जाएंगे, वाइप डाटा फोर स्टॉप करेंगे और वाइप डाटा ओके कर देंगे। इसके हो जाने के बाद सक्सेस, ये देखें हो गया। फिर हम वापस जाएंगे और अब हम फिर से Samsung सेटअप सॉरी
इसके ऊपर जाने के बाद हम जाएंगे नंबर 3 पे एक्टिविटीज। एक्टिविटीज़ के जाने के बाद हम सबसे पहले विजर्ड ओपन। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, फ़ोन डन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, हमारा भला हो जाएगा। ये देखें फिनिश, फ़ोन डन हो गया। पीछे नंबर चेक करनी है, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन डन हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।